हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एडुटेरिया करेंट अफेयर सीरीज के तहत 16 से लेकर 31 मई के बीच की विभिन्न घटनाओं के करेंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। इसके अंतर्गत 16 से 21 मई के अंतर्गत घटित होने वाले विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय घटनाओं को डिस्कस किया जाएगा। इसके पूर्व में भी हमने 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एडुटेरिया करेंट अफेयर सीरीज के कई सारे वीडियो को डिस्कस किया है। आप लोग YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज 16 से 31 मई के बीच के करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट करते चलेंगे। पहला है, हाल ही में तमिलनाडु के 31 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? पी श्याम निखिल। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा तथा हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो याद रखेंगे, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, अगला है, 13 मई 2024 को, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, 13 मई 2024 को भारत तथा ईरान के द्वारा एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों के लिए ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का संचालन करेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत और ईरान के बीच अगले 10 वर्षों के लिए एक समझौता किया गया है कि ईरान के लिए जो बेहद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है चाबहार बंदरगाह, उसका शहीद बेहिश्ती टर्मिनल का भारत अगले 10 वर्षों के लिए यूज करेगा। यह भारत के द्वारा संचालित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल बंदरगाह होगा, यानी कि भारत के द्वारा किसी दूसरे देश में संचालित की जाने वाली प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल होगा। कौन? शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल। कहां पर? भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है अगले 10 वर्षों के लिए। यह समझौता ईरान की राजधानी तेहरान में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। यह कंपनी का नाम है, क्योंकि भारत और ईरान के बीच में समझौता किया गया, तो कौन सी दोनों कंपनियों ने समझौता किया? तो भारत की तरफ से इंडिया पोर्ट्स एंड ग्लोबल लिमिटेड कंपनी थी, और ईरान की जो कंपनी है पोर्ट एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। अब थोड़ा सा चाबहार बंदरगाह के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो चाबहार बंदरगाह जो है, चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, जो ईरान को हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। तो चाबहार बंदरगाह कहां पर स्थित है? ओमान की खाड़ी पर स्थित है और ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह के दो टर्मिनल हैं, शाहिद कलंतारी टर्मिनल और शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल। तो यही जो शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल है, इसी के लिए इंडिया और ईरान के बीच अगले 10 वर्षों के लिए समझौता किया गया है। मझगांव डॉक, अगला है, मझगांव डॉक लिमिटेड के स्थापना के 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा सचिव गिरधर अरमाने के द्वारा 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो अब सवाल है कि आखिर मझगांव डाक लिमिटेड है क्या? तो मझगांव डाक लिमिटेड जो है, वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता है। कई सारे ऐसे नौसेना के अंतर्गत विपंस वगैरह जो हैं, या फिर पनडुब्बी वगैरह है, वो मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता कंपनी है। MDL भारत का एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है, जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों का निर्माण करता है, यानी कि भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी का निर्माण करने वाला एकमात्र कंपनी जो है मझगांव डॉक लिमिटेड है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और हाल ही में इसकी स्थापना के 250 वर्ष पूरे हो गए हैं, और स्थापना के 250 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने के द्वारा 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अगला है,
15 मई 2024 को देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में किया गया। यानी कि इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में। 15 से 19 मई 2024 तक चलने वाले इस 4 दिवसीय कौशल प्रतियोगिता में 61 श्रेणियों में युवाओं का कौशल परीक्षण किया जाएगा। उड़ीसा में सबसे अधिक विजेता 17 स्वर्ण 13 रजत 9 कांस्य और 12 उत्कृष्टता पदक हैं। बिहार 3 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य और 6 उत्कृष्टता पदक बिहार ने इसमें प्राप्त किया। तो इंडिया स्किल्स 2024 कहां पर हुआ? इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में किया, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, यह लगभग 4 दिनों तक चला। 61 श्रेणियों में पूरे भारत के युवाओं ने 61 श्रेणियों में इसमें भाग लिया। ओडिशा ने सबसे अधिक पदक प्राप्त किए और बिहार ने 3 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक प्राप्त किए और इसके साथ साथ 6 उत्कृष्टता पदक को भी प्राप्त किया है। अगला है, हाल ही में आयोजित होने वाले समुद्री साझेदारी अभ्यास पासेक्स में हिस्सा लेने नौसेना के दुपोत INS दिल्ली और INS शक्ति मलेशिया के कोटा किनाबालू पहुंच गए हैं। तो पासेक्स कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, पासेक्स एक्सरसाइज का? तो पासेक्स एक्सरसाइज का आयोजन मलेशिया के कोटा किनाबालू में किया जा रहा है, जहां भारतीय नौसेना की तरफ से 2 युद्धपोत हिस्सा लेंगे। कौन कौन 2 युद्धपोत हिस्सा लेंगे? INS दिल्ली और INS शक्ति। किस एक्सरसाइज में? पासेक्स एक्सरसाइज, जो कि समुद्री साझेदारी अभ्यास है। INS दिल्ली पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा निर्मित प्रोजेक्ट 15 वर्ग का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है और INS शक्ति बेड़े का सहायक जहाज है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है पासेक्स एक्सरसाइज। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में चाइना ने अमेरिका को इस वित्तीय वर्ष में व्यापारिक साझेदार, जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार पहले अमेरिका था, उस सूची से अब अमेरिका को हटाकर चाइना ने अमेरिका को रिप्लेस कर दिया। यानी कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है अब चाइना, और दूसरे नंबर पर कौन है? USA। ठीक है, हालांकि दोनों के बीच आप गैप देखेंगे तो बहुत कम का अंतर है। जैसे भारत और चीन के बीच वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के बीच 118.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है, वहीं भारत और अमेरिका के बीच देखेंगे, जो कि दूसरे नंबर पे है, 118.3 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। तो भारत और चाइना के बीच 118.4 बिलियन डॉलर और भारत और अमेरिका के बीच 118.3 बिलियन डॉलर, तो दोनों के बीच अंतर बहुत कम है। हालांकि चाइना ने रिप्लेस करके चाइना नंबर 1 बन गया भारत का व्यापारिक साझेदार, तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। हाल ही में 13-14 मई 2024 को नई दिल्ली में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति के तीसरे सत्र का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया तीसरे सत्र का आयोजन? नई दिल्ली में किया गया। गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी व्हाइट मार्बल को केंद्र सरकार के द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंबाजी व्हाइट मार्बल के लिए किस राज्य को GI टैग प्रदान किया गया? तो आप क्या बताएंगे? गुजरात। ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफको का 17वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो इफको का 17वां अध्यक्ष कौन बने? दिलीप संघानी। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कपिल सिब्बल। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर भारत के द्वारा इसके समर्थन में मतदान किया गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि फिलिस्तीन अभी तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में UNGA का मेंबर नहीं बन सका है, लेकिन हाल ही में इस पर मतदान हुआ और भारत ने कहा कि हाँ, फिलिस्तीन को इसका UN का सदस्य बनना चाहिए और इसके पक्ष में, समर्थन में भारत ने मतदान किया है। भारत अरब देशों के अतिरिक्त फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश था। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 143 देशों ने जहां इस फिलिस्तीन को
यूएनजीए का सदस्य बनाने के समर्थन में मतदान किया, वहीं अमेरिका और इजराइल समेत 9 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी किए गए विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया गया है। यानी कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना होगा, 6.9%। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 15 अमीर व्यक्तियों की सूची में 2 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन? मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। मुकेश अंबानी का अगर रैंक देखा जाए तो मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर हैं और कुल इनकी संपत्ति $110 अरब है। वहीं अगर गौतम अडानी का देखा जाए तो इस इंडेक्स में गौतम अडानी 14वें रैंक पर हैं और इनकी कुल संपत्ति $100 अरब का है। यानी कि मुकेश अंबानी की संपत्ति $110 अरब और गौतम अडानी की संपत्ति $100 अरब है। मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में विश्व के सबसे अधिक अमीर व्यक्तियों में 12वें स्थान पर हैं और गौतम अडानी 14वें स्थान पर हैं। टॉप 15 में इंडिया के 2 शामिल हैं जिनमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी हैं। इस इंडेक्स के अनुसार LVMH कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बर्नार्ड अर्नाल्ट $222 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यानी कि दुनिया के नंबर 1 सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नाल्ट $222 अरब के साथ और टॉप 15 में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी क्रमशः 12वें और 14वें स्थान पर हैं। उनकी संपत्ति $110 और $100 अरब है। भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में सिल्वर पदक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में सिल्वर पदक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो सेला सुरंग देश की सबसे ऊंची सुरंग है। सेला सुरंग कहां पर स्थित है? सेला सुरंग तो क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर सेला सुरंग को देखा जाए तो दुनिया की सबसे लंबी 2-लेन सुरंग है जिसका निर्माण BRO सीमा सड़क संगठन के द्वारा 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी 2-लेन सुरंग है सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? BRO के द्वारा। सुरंग एक की लंबाई, यह 2-लेन सुरंग है तो सुरंग एक की लंबाई 980 मीटर और सुरंग 2 की लंबाई 1555 मीटर है। नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारतीय कंपनी TCS के द्वारा पेरिस फ्रांस में ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का अनावरण किया गया है। तो हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने फ्रांस में ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का अनावरण किया है? तो आप क्या बताएंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। TCS के द्वारा पेरिस फ्रांस में ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का अनावरण किया गया। अगर TCS का मुख्यालय देखा जाए तो TCS का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा 2023 में इंटरनेट शटडाउन नामक रिपोर्ट में भारत लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष स्थान पर है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन जो होती है वह भारत में होती है। 2023 में भारत में कुल 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है। यह रिपोर्ट एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन गठबंधन के द्वारा जारी किया जाता है। तो सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ते हिंसा रिपोर्ट 2023 में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन की स्थिति कहां पर देखने को मिली, किस देश में देखने को मिली? इंडिया में। अगला है ऑपरेशन मर्यादा, बहुत महत्वपूर्ण है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा क्यों और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू रूप से संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन मर्यादा अभियान के तहत तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों से नशीले पदार्थों का सेवन न कर इस क्षेत्र में मर्यादा बनाने का अनुरोध किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ धाम यात्रा की सुचारू रूप से व्यवस्था संचालन के लिए।
HDFC बैंक ने हाल ही में वीजा के साथ साझेदारी में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले को लॉन्च किया है। तो हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया वीजा के साथ साझेदारी के रूप में। तो बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले। अगला है, भारत के स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत INS किल्टन ने ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के भाग के रूप में वियतनाम के कैम रान खाड़ी का दौरा किया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे INS किल्टन ने ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के भाग के रूप में वियतनाम के कैम रान खाड़ी का दौरा किया है। तो कैम रान खाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, महत्वपूर्ण है। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस JAI प्लेटफॉर्म हनुमान AI भारत में लॉन्च किया गया है। ठीक है, हनुमान AI का भारत में लॉन्च किया गया है, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यह। इसे अबू धाबी स्थित AI निवेश कंपनी 3AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, हनुमान AI को। हाल ही में भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया। यानी कि आध्यात्मिक गुरु रविशंकर को श्रीलंका में तमिलों के भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरा होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में आप देखेंगे कि प्राचीन समय में, अंग्रेजों के समय में अगर आप जाएंगे तो भारत से कई सारे नागरिकों का विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लॉयमेंट हुआ, विभिन्न क्षेत्रों में वे प्रवास के लिए गए और उसी दौरान 200 साल पहले तमिल श्रीलंका में गए थे, उनके 200 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो उसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है और यह डाक टिकट श्री श्री रविशंकर जो आध्यात्मिक गुरु है उनको प्रदान किया गया है। असम के द्वारा हाल ही में विभिन्न आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए यूनिसेफ की मदद से आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रिम्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ड्रिम्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, असम के द्वारा ड्रिम्स को लॉन्च किया गया है यूनिसेफ की मदद से। तो ड्रिम्स क्या है, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डी फॉर डिजास्टर, DRIMS यहाँ फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली। अगला पॉइंट है, फसाई के द्वारा हाल ही में फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ता है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश पाए जाते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय साइबर सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे साइबर सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर हुआ, साइबर सुरक्षा अभ्यास नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी इसमें भाग लिया। हाल ही में भारत के कोची में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा 46वीं अंतर्राष्ट्रीय संदिग्ध सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, यह 46वीं बैठक थी, इसका आयोजन कोची में किया गया है। ठीक है, 2007 के बाद यह भारत के द्वारा पहली मेजबानी थी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि सलाहकार बैठक देखेंगे तो अभी 2024 में इसकी कोची में तो बैठक हो ही रही है भारत में, इसके पूर्व में 2007 में भी इसकी बैठक की अध्यक्षता मेजबानी जो है भारत के द्वारा किया जा चुका है। ठीक है, हाल ही में HDFC बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के द्वारा महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। किसको, HDFC बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा। हाल ही में कोची केरल में भारत ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया के द्वारा त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का समापन हुआ है। तो त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया, कोची केरल में किया गया। कौन कौन से देश ने इसमें भाग लिया, इंडिया ने भाग लिया, ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया और इंडोनेशिया ने भाग लिया है। इसका विषय क्या था, हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने का सहयोगात्मक प्रयास। तो हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने का सहयोगात्मक प्रयास इसका महत्वपूर्ण थीम था।
भारत के सिक्किम राज्य के द्वारा हाल ही में AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की गई है और ऐसा करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य बना है जहां पर AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली कार्य करेगी। फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीयों ने इतिहास रच दिया। चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू से नो ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिनेफ पुरस्कार जीता है। कहां पर? तो कांस फिल्म फेस्टिवल, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल जिसका आयोजन फ्रांस में किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय अभिनेत्री अंशुआ सेन गुप्ता के द्वारा फिल्म सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्होंने जीता और जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो अंशुआ गुप्ता कांस फिल्म फेस्टिवल जीतने वाली, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है अनुसुया गुप्ता। इनका फिल्म का नाम है सेमलेस। हाल ही में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र बांग्लादेश, असम, मिजोरम आदि को रेमेल चक्रवात का सामना करना पड़ा। रेमेल चक्रवात का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो रेमेल चक्रवात कहाँ पर आया? पश्चिम बंगाल और उसके तटीय क्षेत्र में। नामकरण किसके द्वारा किया गया? ओमान के द्वारा नामकरण किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उत्पत्ति कहाँ से हुई? बंगाल की खाड़ी से। भारत सरकार के द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने हाल ही में DD किसान के द्वारा 2 AI एंकर कृषि तथा भूमि लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी कि AI कृषि, DD किसान के द्वारा AI कृषि और AI भूमि दो AI एंकर को लॉन्च किया गया है। AI कृषि और AI भूमि, ठीक है, DD किसान के द्वारा। ये AI एंकर 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं। इसके साथ ही DD किसान AI एंकर पेश करने वाला देश का पहला सरकारी TV चैनल बन गया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, AI एंकर को पेश करने वाला देश का पहला सरकारी TV चैनल कौन बना? DD किसान बना है। हाल ही में ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव पुरी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 23-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों के द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इस सूची में दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। हाल ही में 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में सागा दावा का त्यौहार मनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा सागा दावा का त्यौहार कहां पर मनाया गया, तो आप क्या बताएंगे? सागा दावा का त्यौहार कहां पर मनाया गया? सिक्किम में। सागा दावा को ट्रिपल ब्लेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है जो प्रत्येक वर्ष तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के 4th महीने के 15वां दिन आता है। हाल ही में मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई है। तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे कहाँ की रहने वाली है? तो मध्य प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हाल ही में सप्ताह भर चलने वाले वार्षिक गंगाम्मा जात्रा लोक उत्सव मनाया गया है। तो गंगाम्मा जात्रा लोक उत्सव कहाँ पर मनाया गया? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। यह उत्सव भगवान वेंकटेश्वर की छोटी बहन मानी जाने वाली देवी गंगम्मा को समर्पित है। ठीक है, तो इसका गंगम्मा जात्रा लोक उत्सव आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेबल पेन नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने बनाया है और इसे नोट पेन का नाम दिया गया है। तो याद रखेंगे दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेबल पेन किस देश ने लॉन्च किया? तो क्या है? इंडिया। उसका नाम क्या दिया गया है? नोट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सौरभ एच मेहता के द्वारा नई दिल्ली में। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण में 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं। 2022 में इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या 42 थी। हाल ही में गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक तथा दूसरे भारतीय बनने का इन्होंने गौरव हासिल किया है।
भारत का तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, भारतीय उद्योग परिसंघ से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला एआई बना, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव, भारतीय सेना तथा UHI यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य रणनीतियों को आधुनिक युद्ध रणनीतियों में समन्वित करना है। तो प्रोजेक्ट उद्भव काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट उद्भव इंडियन फोर्सेज यानी कि भारतीय सेना तथा यूएसआई यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है प्रोजेक्ट उद्भव। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाए जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका है। 2010 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में बेंगलोर का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप गैलेक्सी आई राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के उपग्रह पर सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन गई है। कौन बनी? गैलेक्सी आई, जो कि बेंगलुरु का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है। हाल ही में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी के द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहां पर किया गया? बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 16 से 31 मई के बीच जो नेशनल करंट अफेयर था उस हिस्से को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, यानी कि इस दौरान इंटरनेशनल कौन कौन सी घटनाएँ घटी है। शुरू करते हैं, मई 2024 में जापान के द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है। तो दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप किस देश के द्वारा पेश किया गया? जापान के द्वारा पेश किया गया। और 6G 5G की तुलना में 20 टाइम्स 20 गुना तेजी से काम करता है। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, यानी कि सिंगापुर के नए और चौथे प्रधानमंत्री कौन बने? लॉरेंस वोंग। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा हाल ही में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अवैध पशु व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी गैंडे के सिंग 29% है, और इसके बाद पेंगोलिन के स्केल या सल्क 28% और हाथी दांत 15% का अवैध व्यापार किया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा अवैध व्यापार ये टॉप 3 ये इसका किया जाता है। हाल ही में ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई है। कहां पर? ढाका में। बिम्स्टेक थाईलैंड जो है वह बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। अगर बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1997 में इसकी स्थापना की गई। इसका सचिवालय बांग्लादेश ढाका में है, और अगर इसकी सदस्य संख्या देखा जाए तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। वर्तमान समय में इसके महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं, और इस वर्ष के लिए अध्यक्षता कौन कर रहा है? थाईलैंड। हाल ही में इंडोनेशिया में स्थित इले लेबोटोलोक ज्वालामुखी के फटने से जन धन को व्यापक क्षति हुई है। तो अब ज्वालामुखी का नाम याद रखें कि इले लेबोटोलोक कहां पर है? ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। हाल ही में इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में ठंडे लावा का फ्लैश फ्लड आने के कारण 52 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड इंडोनेशिया में लहार के नाम से जाना जाता है। अगला है, हाल ही में नासा के द्वारा चंद्रमा पर पहले चंद्र लूनर रेलवे सिस्टम फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक बनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा चंद्रमा पर पहले चंद्र लूनर रेलवे सिस्टम फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक बनाने की घोषणा की गई है।
नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने हाल ही में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामी रीता शेर्पा ये 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। 54 वर्षीय कामी रीता शेर्पा को एवरेस्ट मैन के रूप में भी जाना जाता है और 29वीं बार इन्होंने 12 मई 2024 को फतह किया था और अपने स्वयं के रिकॉर्ड को तीसरी बार चढ़कर इन्होंने अपने स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़ा है। हाल ही में डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो महत्वपूर्ण है, सौम्य स्वामीनाथन को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 4 वर्षों के लिए देश के सरकारी विभागों को कंट्रोल में ले लिया है तथा कई कानूनों को भंग कर दिया है। 16-17 मई 2024 को उलान बटेर मंगोलिया में भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के 12वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। जेम्स एंडरसन किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया है। इस सम्मेलन में पहली बार भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा स्वयं का पवेलियन यहाँ पर स्थापित किया गया। तो महत्वपूर्ण है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 रॉटरडम नीदरलैंड। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा 400 किलोमीटर की रेंज के साथ स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का अनावरण किया गया है। तो फतह 2 किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान से। 19 मई 2024 को ईरानी सरकार के द्वारा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान तथा 7 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। और हमने कल का जो प्रतियोगिता दर्पण अगस्त का डिस्कस किया शॉर्ट नोट्स, उसमें भी हमने बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश के राष्ट्रपति की हाल ही में विमान दुर्घटना में डेथ हुई है तो आप बताएंगे ईरान। अगर पूछा जाए किस देश के उपराष्ट्रपति की डेथ हुई है तो आप बताएंगे मलावी। यह जो एक्सीडेंट है वह दुर्घटना ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में उजी गांव के पास वरजंगन के पहाड़ी क्षेत्र में घटित हुआ है। हाल ही में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंध रखने वाले लाई चिंग ते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? लाई चिंग ते। किस पार्टी से संबंधित हैं? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। WEF के द्वारा हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया है। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस रिपोर्ट में 119 देशों को शामिल किया गया है। विश्व के शीर्ष 5 स्थान प्राप्तकर्ता देश में नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 स्पेन, नंबर 3 जापान, नंबर 4 फ्रांस और नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया है। विश्व के टॉप 5 कंट्रीज। इस सूचकांक में माली 2.78 स्कोर के साथ 119वें स्थान पर है, जबकि भारत 119 देशों की सूची में भारत का स्थान 39 है। अगर स्कोर भारत का देखा जाए तो 4.25 इसका स्कोर है। दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है भारत ने, और श्रीलंका का 76वां स्थान, पाकिस्तान का 101वां और नेपाल का 105वां स्थान है। तो 119वें नंबर पे माली, पहले नंबर पे USA, इंडिया 39 वाइट 119। मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। तीनों देश का नाम महत्वपूर्ण है। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश के लिए इन तीन देशों की आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 से प्रभावी होगी। फिलिस्तीन के द्वारा जहाँ इस घोषणा का स्वागत किया गया है, वहीं इसराइल के द्वारा कड़ी शब्दों में इसका निंदा की गई है। हाल ही में फ्रांस के द्वारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ASMPAR सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट इबू ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट इबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने पहले मानव H5N1 एवियन फ्लू संक्रमण को रिपोर्ट किया गया है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में।
इंडोनेशिया के बाली में 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है 10वां विश्व जल मंच, इसका आयोजन कहां पर हुआ? इंडोनेशिया के बाली में 18 से 25 मई 2024 के बीच। इसका थीम है साधा समृद्धि के लिए जल। इस वर्ष इस मंच का आयोजन इंडोनेशिया तथा विश्व जल परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। तो विश्व जल मंच इंडोनेशिया बाली। हाल ही में नासा के द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन प्री फायर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो प्री फायर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए। प्री फायर का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। हाल ही में मनामा बहरीन में 33वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो 33वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? बहरीन मनामा में। 1945 में काहिरा में स्थापित अरब राज्यों की लीग का उद्देश्य 22 सदस्य अरब देशों के मध्य संबंधों को मजबूत करना, नीतियों का समन्वय करना और सहयोग को बढ़ावा देना है। ILO के द्वारा हाल ही में फाइनेंसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। फाइनेंसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन किसके द्वारा जारी की गई है? ILO के द्वारा। इस रिपोर्ट में 133 निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों के लिए एकल घरेलू उत्पाद का 3.3% वार्षिक अंतर का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में UAE के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च किया गया है। और इंटरनेशनल करेंट अफेयर का लास्ट है, मई 2024 में OpenAI के द्वारा अपने सबसे तेज तथा शक्तिशाली AI मॉडल GPT-40 को लॉन्च किया गया है। GPT-40 ओ का मतलब यहाँ पर है ओमनी। ठीक है, तो AI मॉडल GPT-4o किसके द्वारा लॉन्च किया गया? OpenAI के द्वारा। यह AI मॉडल है। ठीक है, तो नेशनल करेंट अफेयर और इंटरनेशनल करेंट अफेयर फिनिश हुआ। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बिहार राज्य विशेष की ओर, यानी कि बिहार स्टेट से संबंधित करेंट अफेयर देखेंगे 16 से 31 मई का। मध्याह्न भोजन योजना निदेशक मिथिलेश मिश्र के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को पहली से पाँचवीं कक्षा के बच्चों को 100 मिलीलीटर तथा 6 से आठवीं कक्षा के बच्चों को 150 मिलीलीटर गर्म दूध मिलेगा। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना में इसे दूध को शामिल किया गया है। 1 जुलाई 2024 से यह योजना लागू की जाएगी। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर 44 प्रखंडों का चयन किया गया है, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 44 प्रखंडों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। मई 2024 में बांका बिहार में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चालू हो गया है। ठीक है, बांका बिहार में बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट चालू हुआ है। इसकी अगर पावर प्लांट की क्षमता देखा जाए तो 125 मेगावाट इस पावर प्लांट की क्षमता है। और इस सोलर पावर प्लांट से मिलने वाली बिजली की दर मात्र 3.11 रुपये प्रति यूनिट है। 27 मई 2024 से बिहार के बोधगया में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बिहार के खिलाड़ी बॉबी कुमार ने थाईलैंड में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीम में चयन किया गया है बॉबी कुमार, जो कि बिहार के खिलाड़ी हैं और ये पटना जिले से संबंधित हैं। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंध रखने वाली सपना सिन्हा को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपनी शोध कार्य के लिए फोर्स 30 अंडर 30 एशिया की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो बिहार के किस व्यक्ति को फोर्स अंडर 30 एशिया 30 एशियाई सूची में शामिल किया गया है? तो मुजफ्फरपुर से संबंध रखने वाली सपना सिन्हा को। ठीक है, सपना सिन्हा MIT की प्रोफेसर है, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मई 2024 में बिहार म्यूजियम पटना के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? अंजनी कुमार सिंह को, जो कि म्यूजियम बिहार म्यूजियम पटना के डायरेक्टर हैं। बिहार म्यूजियम के द्वारा
बिहार के पद्मश्री कलाकारों पर एक पुस्तक बिहार के पद्मश्री कलाकार का प्रकाशन किया गया है। इसे बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में मिथिला पेंटिंग के 9, पेपर मेसी आर्ट के 1, 52 बूटी कला से 1, टिकुला कला से 1 और समकालीन कला से 2, कुल मिलाकर 15 कलाकारों का इसमें चयन किया गया है। 12 मई 2024 में पटना में भव्य रोड शो कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 2 मई 2024 में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए 2024 का नाट राज कला सम्मान प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर बिहार स्टेट का करंट अफेयर भी समाप्त हुआ। तो नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ हम लोग विविध करेंट अफेयर को देखते हैं। विविध के अंतर्गत महत्वपूर्ण दिवस और थीम, अपॉइंटमेंट, किसी का निधन हो गया हो तो उसके बारे में, या कोई महत्वपूर्ण खेल वगैरह, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम परिवार और जलवायु परिवर्तन, परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष प्लस 30 था। कुल मिलाकर यही याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाएगा जिसका थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन, फैमिली एंड क्लाइमेट चेंज। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को, इसका मुख्य थीम क्या है, डेंगू रोकथाम, एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, हमारे जीवन का प्रकाश। ये सब दिवस आपको बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, इसके अलावा जो वन लाइनर एग्जाम होंगे वहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। बिहार दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, इसका थीम था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, यह भी 17 मई को मनाया गया जिसका थीम था अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़े। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई, हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मापते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, इसका थीम है महत्वपूर्ण जैव विविधता दिवस, ठीक है, योजना का हिस्सा बने। विश्व थायराइड दिवस 25 मई और विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस 24 मई, ठीक है। अगला है प्रमुख पुरस्कार। हाल ही में चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट्स के संस्थापक चंद्रकांत सतीजा को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सेलेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। 14 मई 2024 को रॉटरडम में आयोजित जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री सवाना आजमी को हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन से किसे सम्मानित किया गया है, सवाना आजमी को। रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन के द्वारा साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड के प्रथम विजेता भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। 16 मई 2024 को सिक्किम के द्वारा 49वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD हेमंत खत्री को PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा आरती को यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC लिमिटेड को अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में आयोजित ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में प्रतिभा विकास श्रेणी में दुनिया की तीसरी रैंक से सम्मानित किया गया है NTPC लिमिटेड को। भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को हाल ही में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आर कुलकर्णी मुख्य रूप से मिली सेकंड पल्सर, गामा रे बर्स्ट और सुपरनोवा पर शोध करने के लिए जाने जाते हैं। जेनी एरपेन बेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मनी लेखिका जेनी एरपेन बेक पुस्तक कैरोस के लिए। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हॉफमैन है। अगला है खेलकूद।
हाल ही में भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री के द्वारा 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ भारत के मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारत के लिए सर्वाधिक 150 मैचों में सबसे ज़्यादा 94 गोल कर चुके छेत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। तो फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रसिद्ध भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग के शीर्ष 25 में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। नवीनतम रैंकिंग में मनिका बत्रा का स्थान 24 है। 2020 में मनिका बत्रा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय पहलवान अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। कौन? अमन सहरावत। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से लेकर 31 अगस्त के बीच पेरिस में किया जाएगा, जिसका शुभंकर फ्रिजियंस होगा। भारतीय जिमनास्ट सृष्टि खंडागले हाल ही में हांगकांग में आयोजित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिमनास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गई है सृष्टि खंडावले। हाल ही में मैग्नस कार्लसन के द्वारा पोलैंड में आयोजित सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024 में जीत हासिल की गई है। हाल ही में मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अदलान शाह स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में जापान ने पाकिस्तान को हराकर प्रथम सुल्तान अदलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीत ली है। जापान ने पाकिस्तान को हराकर जीता है अदलान शाह स्टेडियम में कौन सा ट्रॉफी जीता है? अदलान शाह ट्रॉफी। अदलान शाह स्टेडियम में भी इसका आयोजन किया गया था। अदलान शाह ट्रॉफी का आयोजन मलेशिया हॉकी परिसंघ के द्वारा 1983 से किया जाता है। इस ट्रॉफी का नाम मलेशिया राज्य के पूर्व सुल्तान सुल्तान अदलान शाह के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चेन बो यांग तथा लियू ई चीनी जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब जीता। तो थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने जीता है। तेलंगाना की पैरा एथलीट दीप्ति जीवनजी ने हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 400 मीटर T20 स्पर्धा को 55.07 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत के द्वारा 3 पदक जीता गया, जिनमें से 1 स्वर्ण पदक था और 2 रजत पदक था। जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने हाल ही में इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। वहीं महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्विटिक के द्वारा जीता गया है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव के द्वारा और महिला एकल का खिताब इगा स्विटिक के द्वारा। मैनचेस्टर सिटी के द्वारा हाल ही में वेस्ट हैम को 3-1 से हराकर चौथी बार इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया है। तो यह था महत्वपूर्ण खेल से संबंधित। अब आइए अपॉइंटमेंट से संबंधित। तो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? इदाशिशा नोंग्रांग। मौसमी चक्रवर्ती ने हाल ही में आकाशवाणी समाचार के लिए महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया। मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पद पर किससे नियुक्त किया गया? मौसमी चक्रवर्ती को। और मेघालय की पहली महिला महानिदेशक डीजीपी कौन बनी? इदाशिशा नोंग्रांग को बनाया गया है। नासा के द्वारा डेविड सल्वाग्रीनी को प्रथम नए मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में नामित किया गया। तो नासा का पहला AI अधिकारी डेविड सल्वाग्रीनी। आंद्रे बुलासाऊ को हाल ही में रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ICC के द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को आगामी 9वें ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 9वें ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 1-29 जून 2024 के मध्य वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका के मध्य संयुक्त रूप से खेला गया और आप सभी जानते हैं कि भारत इस T20 मैच का विजेता बना है। हाल ही में वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली के द्वारा जनरल टो लैम को 2026 तक के कार्यकाल के लिए वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं जनरल टो लैम। यह नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति वो वांग थुआंग के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इस्तीफे के 2 महीने के बाद हुई है।
वेदांता एल्युमिनियम के सीईओ जॉन स्लेवन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान अगर देखा जाए तो स्थापना 1972 में, इसका मुख्यालय है लंदन और अध्यक्ष कौन है इसके, सतीश पाई। हाल ही में लुइस अभिनादर को कैरेबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो कैरेबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक का राष्ट्रपति किसे बनाया गया, लुइस अभिनादर को। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी कहां पर है, सॉन्ट डोमिंगे। अब आइए निधन। हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये बिहार के 11 वर्ष उप मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान की पहली महिला कमला बेनीवाल का राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का हाल ही में जयपुर में निधन हो गया है। प्रसिद्ध कथाकार तथा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित मालती जोशी का भी हाल ही में निधन हो गया है। मालती जोशी हिंदी तथा मराठी भाषा की प्रख्यात लेखिका थी। अगला महत्वपूर्ण है, सुअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी प्रत्यारोपित कराने वाले प्रथम इंसान रिचर्ड रिक स्लेमैन का हाल ही में निधन हो गया है। आपने करेंट अफेयर में आपने सुना होगा कि सुअर की जो किडनी है उसको मनुष्य में पहली बार प्रत्यारोपित किया गया है यूएसए में, तो वही जो व्यक्ति है रिचर्ड रिक स्लेमैन, उनका हाल ही में निधन हो गया है। रिचर्ड के द्वारा मार्च 2024 में सुअर की किडनी को प्रत्यारोपित कराई गई थी। और आज का करंट का हम लोग लास्ट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तथा 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लेखिका एलिस मुनरो का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 16 से लेकर 31 मई के बीच में एडुटेरिया की करेंट अफेयर को हमने डिस्कस किया, जो कि राज्य स्तरीय राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर से संबंधित था। इसके पूर्व में हमने एडुटेरिया करेंट अफेयर के कई सारे पाक्षिक जो करेंट अफेयर सीरीज उसका आ रहा है एडुटेरिया का, उसे हमने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया। सारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वीडियो को भी स्क्रॉल करेंगे तो सारे वीडियो जो है वहां पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। उम्मीद है कि 17वीं बीपीएससी के लिए आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, और इसका काफी फायदा आपको हो रहा होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC Center को आप लोग ज्वाइन कर लें, जहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित गाइडलाइन और मटेरियल आप सभी को निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।